नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज सुबह सुबह आनंद मोहन पहुंच गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए। देखिए, बड़ी खबर है, आप समझिएगा इस खबर को विस्तार से। आनंद मोहन जब पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए, मुख्यमंत्री आवास यानी कि एक अन्य मार्ग, वहाँ पर उनकी महज 5 से 10 मिनट की मुलाकात हुई है। और 10 मिनट में ही ऐसी क्या बात हुई? देखिए, इन दिनों जब ठाकुर वर्सेज ब्राह्मण का विवाद चल रहा था, आनंद मोहन ने मनोज झा के उस बयान पर खूब टिप्पणी की, खूब बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि अगर मैं उस वक्त संसद में होता, जिस तरह से मनोज झा ने कहा है कि हमारे और आपके अंदर के ठाकुर कुमारों ओम प्रकाश वाल्मीकि की ओर से जो लिखी गई कविता थी उसका वर्णन किया था महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए, और अगर उस वक्त मैं संसद में होता तो राख लगाकर जीभ खींच लेता, ये बातें आनंद मोहन ने कही थी, जिस पर घोर आपत्ति जताई थी तेजस्वी यादव ने, सूबे के उप मुख्यमंत्री ने। और ये दिख रहा था कि विवाद जो है वह बढ़ने लगा है, विवाद काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी के ही विधायक हैं चित्रानंद, आनंद मोहन के बेटे हैं। उन्होंने भी कड़ी निंदा की थी अपने ही पार्टी के सांसद मनोज झा की। मनोज झा के बयानों पर खूब बयानबाजियाँ हुई, हर एक पार्टी ने क्या कुछ कहा हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया है। लेकिन आज सुबह सुबह आनंद मोहन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए सरकारी आवास। जाहिर सी बात है, समय लिया होगा तभी गए होंगे। और नीतीश कुमार ने मुलाकात भी की है, 10 मिनट की बातचीत हुई है, और उसके ठीक बाद नीतीश कुमार तुरंत पहुंचे हैं तेजस्वी यादव के घर, यानी कि ठीक बगल में 10 सर्कुलर रोड, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास। नीतीश कुमार भी जाकर तेजस्वी यादव से मिले हैं, और महज वहाँ भी 5 से 10 मिनट की मुलाकात हुई है। नीतीश कुमार फिर वहाँ से निकलते हैं और वापस पटना के मुख्य सचिवालय पहुँच जाते हैं, जहाँ वे आजकल रोज़ जा रहे हैं। मुख्य सचिवालय जाने के बाद वे वापस फिर घर की ओर लौटते हैं। लेकिन आखिर क्या ऐसी बात हुई, महज 10 मिनट की बात आनंद मोहन से, और उसके तुरंत बाद तेजस्वी यादव के घर जाना, वहाँ भी बात 10 मिनट की। तो समझ सकते हैं RJD के साथ आनंद मोहन की बन रही है, और आनंद मोहन नीतीश कुमार की हो या JDU की हो तारीफ़ खूब करते हैं, नरेंद्र मोदी और NDA के खिलाफ खूब बोलते हैं। तो क्या आनंद मोहन आने वाले समय में JDU की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार से उनका रिश्ता भाई वाला है, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है। तो समझ सकते हैं, और नीतीश कुमार की सरकार ने आनंद मोहन के लिए क्या किया है, कितना किया है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आज आनंद मोहन जेल से रिहा है, सरकार ने कैसे नियमावली में संशोधन किया, जेल मैनुअल में संशोधन किया, जिसके बाद कई सारे लोगों को छोड़ दिया गया जिसमें आनंद मोहन का भी नाम था। अब ऐसे में जब आनंद मोहन मिलने पहुँचे हैं, क्योंकि आपको बता दें पिछले महीने यानी सितंबर महीने में तारीख थी 21 सितंबर की, जब आनंद मोहन पहुँचे थे राबड़ी आवास लालू प्रसादव से मिलने के लिए। देर शाम को, शाम 6 बजे आनंद मोहन पहुँचते हैं, लवली आनंद उनके साथ रहती हैं, लेकिन लालू प्रसादव गेट पर, अपने गेट पर आए हुए आनंद मोहन से नहीं मिलते हैं। वजह क्या थी मुझे नहीं मालूम। उस वक्त के बाद फिर कैसे विवाद बढ़ता गया ये भी आपने खूब देखा, कैसे मनोज झा का खूब विरोध हुआ, आनंद मोहन ने खुलकर विरोध किया, प्रतिक्रियाएँ दी, मीडिया में स्टेटमेंट दिया, क्या कुछ कहा उन्होंने, हमने आपको सुनवाया हर एक बयान से, आपको सुनवाया, इंटरव्यू भी दिया लाइव स्ट्रीम को, चित्रानंद ने भी खास बातचीत की लाइव स्ट्रीम के साथ, हमने वो भी सुनवाया। तो आनंद मोहन के परिवार का रिश्ता धीरे धीरे RJD के साथ पूरा बिगड़ गया है। अब ऐसे में क्या बीच में नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार से आनंद मोहन की मुलाकात हुई आज सुबह, और उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार फिर पहुंचे थे तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, वहाँ भी 10 मिनट की बातचीत हुई है। क्या बात बन गई है, देखना होगा। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हो रही है, बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन देखना होगा सियासत के खेल में जब इंडिया अलायंस बनकर तैयार है तो क्या आनंद मोहन को भी इंडिया के साथ ही रखा जाएगा, क्योंकि उस इंडिया अलायंस में RJD पार्टी भी है, जिसके साथ फिलहाल आनंद मोहन की नहीं बनती दिख रही है, ना ही उनके बेटे जो कि RJD के विधायक हैं उनकी भी पार्टी के साथ बनते हुए नहीं दिख रही है। तो आनंद मोहन, नीतीश कुमार तो साथ हैं, क्या तेजस्वी यादव भी साथ रहेंगे, देखना होगा कैसे यह गठजोड़ होगा, क्योंकि रिश्तों में कुछ दरारें, कुछ खटास तो है, आप माने या ना माने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।